गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. न्यूज़पेपर मींस, जानते हो बच्चों क्या होता है? न्यूज़पेपर मींस समाचार पत्र. न्यूज़पेपर इज अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्प्रेड्स न्यूज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र जो है, प्रिंटेड फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन में संचार का एक माध्यम है ये, जो कि न्यूज़ को वेरियस सब्जेक्ट्स में, जो विभिन्न विषयों की न्यूज़ या समाचार हमें बताता है या फैलाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर संचारित करता है या प्रसारित करता है. सच एज पॉलिटिक्स, बिजनेस, क्राइम, साइंस एंड स्पोर्ट्स. अब इसमें कौन कौन से विषय हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? न्यूज़पेपर में सभी प्रकार के टॉपिक लिए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से, यानी कि हमारे जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड. बिजनेस, क्राइम मींस क्या होता है? अपराध. बिजनेस यानी धंधा, रोजगार. साइंस एंड स्पोर्ट्स, विज्ञान और खेल की दुनिया की न्यूज़ भी हमें न्यूज़पेपर देता है. आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, उसमें आपने देखा होगा कि खेल का कॉलम भी होता है, उसमें गेम्स के कॉलम होते हैं, साइंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी न्यूज़ आती है, बिजनेस न्यूज़ भी आती है, नेताओं की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है अभी देश में हमारे, क्राइम की रिपोर्ट भी आती है कि क्या क्राइम हुआ है देश में, कहां पर किस जगह पे हुआ है. सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली. कुछ न्यूज़पेपर तो डेली प्रकाशित होते हैं. डेली मीन्स रोज, पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित, रोज प्रकाशित होते हैं. वाइल अदर्स आर पब्लिश्ड वीकली. लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो कि वीकली पब्लिश्ड किए जाते हैं. इंडिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लार्जेस्ट पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर है, यानी कि भारत जो है लार्जेस्ट पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर है पूरे वर्ल्ड में. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ पॉपुलर इंडियन न्यूज़पेपर. यूज़ हेल्प बॉक्स. नीचे जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी मदद से नीचे बॉटम में, ये रहा बच्चों न्यूज़पेपर, इसकी मदद से आप बुक को फिल कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है दैनिक जागरण. जो है दैनिक जागरण इज़ अ हिंदी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर. इट वाज फाउंडेड इन 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जो है हिंदी भाषा का, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ न्यूज़पेपर है. इट वॉज़ फाउंडेड इन 1942, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. ज़्यादातर पहचाने जाने वाला या ज़्यादातर पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर के नाम से इसे भारत में जाना जाता है. इसका नाम है दैनिक जागरण. सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, दैनिक भास्कर इज अ हिंदी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर. दैनिक भास्कर जो है हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है और ये रोज़ाना आता है हमारे घरों में. इट वॉज़ फाउंडेड इन 1958 इन भोपाल एंड इज़ ऑन बाय डी बी
कॉर्प लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में भोपाल में हुई और इसके जो ऑन बाय हैं वो हैं डीबी कॉर्प लिमिटेड। डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसके ऑन हैं, यानी कि इसके ऑनर। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट, थर्ड पॉइंट है हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे पुराना डेली न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता है उसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑन बाय द टाइम्स ग्रुप एंड हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन मुंबई। इट इज़ ऑन बाय द टाइम्स ग्रुप एंड हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई। टाइम्स ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, इसके ऑनर जो हैं उनके द्वारा ख़रीदा गया न्यूज़पेपर है ये, एंड हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन मुंबई, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। द हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में द हिंदू जो है सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड यानी कि प्रसारित होने वाला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू ऑफर एन ऑनलाइन एडिशन। ये पहला इंडियन न्यूज़पेपर है जो ऑनलाइन एडिशन, जिसका कि ऑनलाइन एडिशन ऑफ़र करता है, जो ऑनलाइन एडिशन ऑफ़र करता है। मलयाला मनोरमा इज़ ए मलयालम लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर। मलयाला मनोरमा जो है मलयालम लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर है, रोज़ आने वाला न्यूज़पेपर है। दिस केरला बेस्ड न्यूज़पेपर इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया। केरला बेस्ड न्यूज़पेपर है ये, यानी कि भाषा जो है इसकी वो केरला बेस्ड है, और लार्जेस्ट सेलिंग रीजनल लैंग्वेज, रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ पे यूज़ होती है वो भारत का, ये भारत का सबसे प्रसिद्ध लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है मलयाला मनोरमा। इसका नाम क्या है बच्चों? मलयाला मनोरमा। सिक्स नंबर पे है दीना थांती। दीना थांती जो है इज़ अ तमिल लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर, तमिल भाषा में लिखा हुआ न्यूज़पेपर है ये, और रोज़ आने वाला न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर, जैसे कि हमारे घरों में आता है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, बिल्कुल ऐसे ही। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एंड इज़ द लार्जेस्ट डेली न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन द तमिल लैंग्वेज, और तमिल भाषा में सबसे ज़्यादा प्रिंटेड, सबसे ज़्यादा जो तमिल लैंग्वेज है वो इसमें यूज़ की जाती है, और तमिल भाषा में लिखा हुआ सबसे ज़्यादा प्रचलित न्यूज़पेपर है ये दीना थांती। लोकमत, सेवन पॉइंट है हमारा लोकमत। लोकमत इज़ अ मराठी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर, मराठी में लिखा हुआ रोज़मर्रा का समाचार पत्र है ये, रोज़ आने वाला। द नेम ऑफ दिस नागपुर बेस्ड न्यूज़पेपर मीन्स पीपल्स ओपिनियन इन मराठी। लोकमत इज़ अ मराठी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर। लोकमत मराठी में, मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला डेली न्यूज़पेपर है। द नेम ऑफ दिस नागपुर बेस्ड न्यूज़पेपर मीन्स पीपल्स ओपिनियन इन मराठी। इस नागपुर आधारित समाचार पत्र का नाम मराठी में लोगों की राय से है।